आज दिन भर भारी एक्शन देखने को मिला शेयर मार्केट में। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार मामूली तेजी के साथ बंद हुए और लगातार नौवें दिन हमने बाजार में तेजी देखी। सेंसेक्स 8,431 और निफ्टी 17,828 के अहम स्तरों पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 575 अंकों की बढ़त के साथ 42,132 के लेवल पर बंद हुआ। बाजार की तेजी में बैंकिंग शेयर सबसे ज्यादा आगे रहे, जबकि आईटी स्टॉक्स में जोरदार बिकवाली दिखी। बाजार के दिनभर का हाल अच्छे से समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। जी, तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजारों में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहा, जहां पर अगर आप देखें तो फर्स्ट हाफ तक मार्केट्स या तो साइडवेज या थोड़ा सा गिरावट का ट्रेंड दिखा रहा था, पर उसके बाद सेकेंड हाफ में दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में शानदार तेजी आती हुई नजर आई। पर आज कंपटीशन था एक तो आईटी, जहां पर टीसीएस के नंबर्स के बाद गिरावट आपको तमाम फ्रंटलाइन और साथ साथ मिड कैप आईटी काउंटर्स पर आती हुई दिखी, पर दूसरी तरफ बैंकों ने शानदार तेजी दिखाकर एक जोरदार सहारा दिया पूरे बाजार के मूड को अपलिफ्ट करने के लिए। अब यहां पर निफ्टी में अगर आप चढ़ने वाले शेयरों की सूची देखेंगे तो इंडसइंड बैंक शार्प स्विंग्स यहां पर आज के दिन में होते हुए दिखे, जहां पर ऑलमोस्ट इंटरडे में 5% तक की गिरावट हो चुकी थी, पर उसके बाद यहां पर पॉजिटिव गेनर्स, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 3% के गेन्स के साथ ये टॉप गेनर्स निकल कर आया। एचडीएफसी लाइफ, आयशर मोटर्स समेत अपोलो हॉस्पिटल्स पर भी अच्छी तेजी रही, पर दूसरी तरफ गिरावट कहां थी, तमाम आईटी पैक के जितने भी काउंटर्स थे वहां पर टीसीएस के नंबर्स और कमेंट्री के बाद आपको भारी दबाव में आते हुए दिखे, जिसमें एचसीएल, टेक, इंफोसिस, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स पर आपको यहां पर गिरावट का रुझान आता हुआ दिख रहा था। जहां तक कुछ स्टॉक्स इन फोकस में रहे थे उसमें ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिस तरह से आरबीआई ने अप्रूवल दिया एमडी एंड सीईओ के रीअपॉइंटमेंट को लेकर, वो थम्स अप रहा बाजारों ने, इन्वेस्टर कम्युनिटी ने यहां पर शानदार तेजी दिखाई, लगभग 17.5% के इंट्राडे गेन्स यहां पर होते हुए दिखे। आईडीबीआई बैंक पर भी 10% की तेजी थी। पोस्ट नंबर्स आनंद राठी वेल्थ में भी आपको 2.5% के गेन्स थे और पीएनबी हाउसिंग पर आज दबाव आता हुआ दिखा 3.5% की गिरावट के साथ। फर्टिलाइजर स्पेस कल भी अच्छे एक्शन में थे और आज भी आप देखिए फैक्ट में शानदार तेजी रही, इंट्राडे में तो ऑलमोस्ट 13-14% तक के गेन्स थे। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स पर भी गेन्स रहे। वेल्सपन इंडिया आज सरप्राइज मूवर था, 6-6.5% की तेजी बनी थी। वहीं दूसरी तरफ गिरावट का रुझान आपको यहां पर एलटीआई, माइंडट्री, परसिस्टेंट सिस्टम समेत लॉरस लैब्स, यहां पर कल के सत्र में तो तेजी बनी थी पर आज अगेन गिरावट की चपेट में आता हुआ दिखा। तो लार्जली जिस तरह का मूड माहौल अभी बना हुआ है, बैंकिंग स्पेस जो है इज समथिंग विच यू शुड लुक फॉरवर्ड टू। अब यही देखना है कि यहां पर जिस तरह के बैंक्स अभी आज के दिन में तेजी दिखाए हैं, सोमवार को जब हम बाजारों में वापस लौटते हैं तो क्या बैंकों का जो रन है ये आगे और जारी रहता है, और आईटी स्पेस पर भी नजर रखना है क्योंकि इंफोसिस के नंबर्स का जो इम्पैक्ट है वो आपको सोमवार को भी आता हुआ नजर आएगा।